नमस्कार आपण देखुछन्ते फोकस पॉइंट आज दिन तमाम समस्त नजर थिला राजस्थान रो राजनीति उपरे आ शेषरे मीडिया आगरे विधायकों परेड कराई विक्ट्री सिग्नल देखाइले गहलोत हेले एबे भी सरीनी संकट देशर विभिन्न स्थान रे एबे बन्या परिस्थिति संगीन समस्त नजर एबे कोरोना वैक्सीन उपरे प्रश्न उठुची कोनो रूस को मिलिला कोरोना टीका चीन को खूब शीघ्र आउ एक झटका देबाकू जाउची भारत आरंभ हेबाकू जाउची ट्रेन टू लद्दाख सेपटे किभली सबू परिस्थिति रे भारतीय जवान लड़ई करिबारे सक्षम ताहार एक उदाहरण देखिबा लद्दाख स्काउट रो विजय गाथारे आउ नजर पकाइबा कोरोना कटकणा रे किभली लोकंकु सचेतन करूची मुंबई रो हाईटेक रिक्सा राजस्थान रे बाजी पलटाई देछंती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास रे 100 रु अधिक समर्थक विधायकों को परेड कराइबा सह देखाइछंती विक्ट्री साइन मुख्यमंत्री को गोष्ठी दाबी करिछंती जे तांको पाखरे 109 जण विधायकों को समर्थन रहिछि सचिन पायलट भी तांको सह 25 जण विधायक थिबा दाबी करिछंती तेनु कुहा जाई पारिबो गहलोत सरकार को उपरे टळिनी संकट खास सेथि पाई एबे आरंभ होइगलानी रिसोर्ट पॉलिटिक्स राजस्थान रे दलकु संकटर उद्धार करिबा मोर्चा संभालिछंती प्रियंका गांधी प्रियंका छड़ा राहुल गांधी को समेत दलर पांच जण वरिष्ठ नेता पायलट को सह आलोचना करिछंती तांकु बुझाइबाकु चेष्टा करिछंती असो तो देखिबा राजस्थान राजनीति रे कोन थिला सारा दिनर घटनाक्रम राजस्थान रे बंची गला सरकार बाजी पलटाई देले गहलोत मुख्यमंत्री कराइले शताधिक विधायकों परेड 109 जण एमएलए समर्थन रो दाबी पायलट कले 25 विधायकों समर्थन रो दाबी संकटरु मुक्ति पाई मोर्चा संभालिले प्रियंका सचिन को सह आलोचना कले राहुल और वरिष्ठ नेता आज्ञा हाँ राजस्थान रे बाजी पलटाई देछंती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को विद्रोह फल रे सरकार उपरे छाइथिबा संकट एबे आपातकह टळी जाइथिबा देखा जाउछि सोमवार सकाळे जयपुर रे बसिला राजस्थान कांग्रेस विधायक दल रो बैठक मीटिंग परे मुख्यमंत्री को आवास रे शक्ति प्रदर्शन कले अशोक गहलोत गणमाध्यम सामनारे तांको समर्थन रे थिबा 100 रु अधिक विधायकों को परेड कराइले देखाइले विक्ट्री सिग्नल मुख्यमंत्री को गोष्ठी दाबी कले जे गहलोत को सह अछंती 109 जण विधायक अर्थात बहुमत संख्या 101 छारु अधिक विधायकों समर्थन तांको पाखरे अछि सेबडे सचिन पायलट को कहिबा कथा तांको पाखरे अछंती 25 जण विधायक या भितरे अशोक गहलोत को सरकार बंची जाइथिबा देखा जाउछि किंतु राजस्थान रे दलकु संकटर उद्धार करिबा मोर्चा संभालिले प्रियंका गांधी उभय अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सह आलोचना कले प्रियंका और राहुल गांधी को समेत केसी वेणुगोपाल अहमद पटेल पी चिदंबरम एमिति दलर पांच जण वरिष्ठ नेता पायलट को सह आलोचना कले तांकु बुझाइबाकु चेष्टा कले रविवार ठारु दिल्ली रे डेरा पकाइथिबा सचिन को जयपुर जिबाकु कहिले सचिन पायलट को दाबी जे से ही प्रदेश अध्यक्ष पद रे रहिबे तांकर चारि जण समर्थक विधायक को मंत्री पद और से निज पाखरे अर्थ और गृह मंत्रालय रखिबे जयपुर मुख्यमंत्री को आवास रे शक्ति प्रदर्शन पूर्वरु दिल्ली रु जाइथिबा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सचिन पायलट को विधायक दल बैठक को आसिबा को निमंत्रण करथिले कहिथिले राजस्थान रो मंगल व्यक्तिगत हानि लाभ थारु भिन्न से सबु विधायक मंत्री और उपमुख्यमंत्री बैठक को आसंतु बोली कहिथिले दल पक्षरु व्हीपी जारी करा जायथिला यहा सत्वे सूचना अनुसारे बैठक रे पीसी सभापति तथा उपमुख्यमंत्री पायलट को समेत 18 विधायक और दुई मंत्री शामिल होइ नथिले सेबडे जयपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय रे पूर्णी थरे लगा गला सचिन पायलट को पोस्टर सोमवार सकाळे उपमुख्यमंत्री पायलट को पोस्टर हटाई दिया जायथिला अशोक गहलोत बहुमत संख्या देखाइबा ओ तांको समर्थक विधायकों को परेड कराइबा परे ऑफिस रे पूर्णी लगाई दिया गला पायलट को पोस्टर अन्यपटे राजस्थान संकट बाबदरे कर्नाटक रो कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार कहिछंती बीजेपी कांग्रेस को दुर्बल करबा को उद्यम करूची
यहा भाजपा रो एजेंडा। दलीय नेता संकटर समाधान पाई उद्यम करुछंती। सचिन पायलट दल छाड़े ना शक्ति प्रदर्शन और समर्थन थिबा दर्शाइथिले भी मुख्यमंत्री गेहलोत को मनरे रही भय। एथिपाई बैठक परे से समर्थक विधायकों बस रे नहीं मुख्यमंत्री आवास बाहरी सेपटे सचिन पायलट मानुछंती ना विद्रोह जारी रखी दल छाड़ुछंती ता उपरे रहिबो नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। देशर बहु राज्य रे एबे बन्या संकट खास करी आसाम रे ब्रह्मपुत्र ओ शाखा नदी गुड़ी करे आसीथिबा बन्या फल रे 24 टी जिला प्रभावित होईछि। एदिस काजीरंगा जातीय उद्यान रो बड़ अंश पानी रे बुड़ी जिबा फल रे वन्य जीव माने रास्ता को चली आसीछंती। बन्या संकट उत्तर बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश उपरे मध्य देखा देछि। आसाम रे बन्या फल रे गुरुतर भावे प्रभावित होइछि जनजीवन। वर्षा और बन्या फल रे बहु अंचल रे भूस्खलन होइछि। बन्या फल रे 44 जन और भूस्खलन फल रे गलानी 26 रु अधिक लोकंक जीवन। बन्या जोगु आसाम रे 24 जिल्ला रे 13 लाख लोक प्रभावित। बारपेटा धीमाजी और गोलाघाट रे स्थिति गुरुतर। 2015 टी गाँव में 82,546 हेक्टर जमी में फसल नष्ट। विपद संकेत उपरे ब्रह्मपुत्र और शाखा नदी। बन्यार प्रभाव काजीरंगा जातीय उद्यान उपरे भी पड़ी। उद्यानर बड़ अंश हो जाइछि जलमग्न। काजीरंगा पार्क रे 223 शिविर रु 126 टी शिविर प्रभावित होइछि। 41 टी रु अधिक वन्य जीवंकर मृत्यु होइछि। 49 वन्य जीवंकु उद्धार करा जाइछि। रास्ता उपरे बहु संख्या रे वन्य जीव। बन्या संकट उत्तर बिहार एवं पूर्व उत्तर प्रदेश उपरे मध्य गुरुतर भावे पड़ी। नेपाल और उत्तर बिहार रे प्रबल वर्षा फल रे चंपारण मिथिलांचल कोशी सीमांचल और पूर्व बिहार रा बहु जिला रे नदी गुड़िकर जलस्तर बढ़ुछे। नेपाल से निकलने वाली लाल बकिया नदी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई गाँवों में तबाही मचाना शुरू कर दी है और हम अभी तीन मुहाने पर खड़े हैं जहाँ एक तरफ नेपाल से जहाँ से यह नदी निकलती है और सामने सीतामढ़ी जिले का बैरगनिया इलाका है और फिर हमारे ठीक पीछे पूर्वी चंपारण जिले के बलुआ इलाका है जहाँ पर धीरे धीरे पानी पहुँचने लगा है। पूर्व उत्तर प्रदेश गोरखपुर आखपाख अंचल घाघरा राप्ती रोहिणी आदि नदी विपद संकेत पाखे प्रवाहित होहा फल प्रशासन पूरा अंचल आलर्ट जारी कर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। रूस रो सेचेनोफ मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना भाइरस रो टीका रो सफल परीक्षण करथिबा दाबी करिछि। रविवार आसीथिबा रिपोर्ट रे हाकु ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल रे सफल होइथिबा विश्वर प्रथम टीका भी कुहागला। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी रो निर्देशक ओदिम नार्सोव एनै सूचना देले। एटि प्रश्न हैला प्रकृत रे कोन कोरोना टीका रो संधान मिलिगला कोन एही दौड़ रे रूस थारु पछरे पड़िगले अमेरिका चीन ओ ब्रिटेन। रूस रो वैक्सीन नहीं सारा विश्व रे चर्चा। गोटिए टीकार क्लिनिकल ट्रायल सफल होइथिबा दाबी। प्रकृत रे कोन मिलिगला कोरोना टीका ये एमिति प्रश्न एमिति प्रसंग जहां एबे समस्तंक मनरे भरी देछि आशा और उत्कंठा। समस्ते एहा ही जानिबाकु चाहूछंती प्रकृत रे कोन कोरोना टीका प्रस्तुत होइगला। एने रविवार रूस रु आसीथिला खबर। रुसियार न्यूज एजेंसी टास अनुसार सेचेनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी पक्षरु गोटिए टीकार परीक्षा करा जाइछि। जून 18 रे टीकार प्रथम पर्याय परीक्षा आरंभ होइथिला। 18 जन स्वेच्छासेवी को टीका दिया जाइथिला। तापरे जून 23 रे होइथिला द्वितीय पर्याय जेउथिरे 23 जनकर करा जाइथिला टीकाकरण। सेचेनोव यूनिवर्सिटी रो वेबसाइट अनुसार एहि परीक्षा रे 18 रु 65 वर्षर महिला और पुरुषक उपरे लायोफिलाजाइस टीकार परीक्षा करा जाइछि। प्राथमिक पर्याय रे होइथिबा परीक्षा रे जून 30 जाए कौनसी साइड इफेक्ट देखा जाय नथिबा कुहा जायथिला। पुणी जुलाई 10 तारीख रे रूस स्वास्थ्य मंत्रालय कहिथिला जे टीकार भलो फलाफल सामना को आसीछि। ए जाए कौनसी प्रकार रो अभिजोग बा साइड इफेक्ट देखिबा को मिलि नाही। एही टीका लोकंक रोग प्रतिरोधक शक्ति बा इम्युनिटी बढ़ाइबा काम करछि बोली मध्य कुहा जायथिला। एमिति रे प्रश्न उठुछि सतरे कोन रूसिया टीका तैयारी करिबारे अमेरिका चीन और ब्रिटेन ठारु आगुआ होइगला। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार
गोमालई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित टीकार उत्पादन करा जायछि एवं एहार सुरक्षा नहीं मध्य कुहा जायछि। तेबे गवेषणागत प्रक्रिया और टाइम फ्रेम को देखिबा परे केतेक विशेषज्ञ एहाकु टीकार प्रथम पर्याय ही मानुछन्ति। कथा हेला टीका परीक्षार प्रथम पर्याय रे अल्प किछि लोकंक ठारे टीकार निरापत्ता जांच करा जाए। बहु लोकंक देहरे एहाकु परीक्षा करबा पूर्वरु वर्ष वर्ष धरि परीक्षा चले। भिन्न भिन्न स्तर रे बहु लोकंक ठारे टीका को परीक्षा करी एक कथा सुनिश्चित करा जाए जे एहा संपूर्ण भावे निरापद हेबो ना नाही। बजार को आसिबा पूर्वरु एही प्रक्रिया 10 रु 15 वर्ष जाए भी लागि जाए। अमेरिकार हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट अनुसार ह्यूमन ट्रायल रो प्रथम पर्याय रे 20 रु अधिक लोकंक उपरे टीका को परीक्षा करा जाए। एथिरे निरापत्ता और साइड इफेक्ट छड़ा ड्रग डोज रो जांच करा जाए। एबे रूस पक्षरु दाबी करा जाउतिबा गैम कोविड भैक्लियो नामक एही टीका परीक्षार प्रथम पर्याय ही चलीछि। एथिरे सुरक्षा सहनशीलता और प्रतिरक्षार जांच करा जायछि। सेपटे विश्व स्वास्थ्य संगठन मध्ये कहिछि जे गोमालई रिसर्च इंस्टीट्यूट पक्षरु प्राथमिक दुईटी परीक्षा मध्यरु एबे गोटिए ही संपूर्ण होईछि। सेपटे रूसियार स्वास्थ्यमंत्री कहिछन्ति तांको देशरे कोरोना भाइरसर 17 टीका उपरे गवेषणा चलीछि। आपणकु कहि रखुछु जे विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देछि जे टीका प्रस्तुत करिबारे केही व्यस्त न हुअन्तु, कारण टीका परीक्षण रे टिकिए भी भूल हेले एहा लोकंक जीवन सह खेलिबा समान। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार सारा विश्व रे चालुथिबा टीकार ट्रायल रो जुलाई 7 तारीख जाए मात्र केतोटी तृतीय पर्याय रे पहुंचि पारिछन्ति। एथि मध्यरु चीन रो सिनोभैक, ब्रिटेन रो ऑक्सफोर्ड बा एस्ट्रोजेनेक रो नाम थिला। औषध तयारी करथुबा विश्वर सबुठारु बड कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड रो एहि टीकार उत्पादन करूछि। कोरोना जोगु समस्ते कष्टदायक समय दे गति करूछन्ति। प्रतिदिन बढ़ी चली संक्रमित और मृत्यु संख्या वर्तमान समस्त नजर एवं भैक्सीन उपरे हेले यहारे भितरे सामना को आसिलानी आउ एक बड़ विपद आउ एमिती विपद जहां कोरोना ठारु भी भयंकर हो पारे। काजकस्तान रे एमिती एक रहस्यमय निमोनिया देखा देछि जहां कु नै विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंतित। केवल सेतिक नुहे कोरोना नियंत्रण नै दाबी करूथिबा चीन भी आउ एक रोग को नै चिंता रे। शेष होगा पर्यंत मात्र 6 मास 1772 जन जीवन नहीं सारे भाइरस केवल जून मसस्यमय निमोनी नहीं सारे 628 जीवन। काजाखस्तान कोरोन मृत्युवरण करोकों मध्य अजणा भाइरस मृतकों संख्या प्राय 6 गुणा अधिक। खास से रहस्यमय निमोनी को नहीं चिंतित अच्छी विश्व स्वास्थ्य संगठन। Rise in the number of pneumonias in Kazakhstan, and we're working with the authorities there to investigate. यहाँ भी तो रे काजिकस्थान रे रोहित बा निजो नागरिकों को चीन पक्षरू यही रहस्यमय निमोनिया कुने सतर्क कराजी बा सह निर्देश दिया जाय छी। यहाँ कोरोना भाइरस ठरू अधिक विपज्जनक। चीन रो सरकारी खबर कागज ग्लोबल टाइम्स रे लिखा जाय छी कोरोना भाइरस तुलना रे एही रोग रे अधिक संख्या रे मृत्यु हेबार आशंका रही छि। काजाखस्तान रो स्वास्थ्य विभाग समेत अनेक संगठन निमोनिया रे भाइरस संपर्क रे गवेषणा करछंती। निमोनिया जमिति चीन रे व्यापीबनी से नै ठोस पदक्षेप उठाइबाकु पड़िबो। सेपटे चीन पक्षरु कोरोना उपरे नियंत्रण करा जिबा नै दाबी करा जाउथिले मध्य
ଚୀନର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଚୀନରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ବ୍ୟୁବୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇନର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଇଲାକାରେ ବ୍ୟୁବୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। Now the bubonic plague, one of the deadliest diseases in human history, has been reported in China. A livestock farmer in Inner Mongolia was confirmed on Sunday to have the disease. ଖାସ୍ ଏହି କାରଣରୁ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଯେଉଁ ସହରରେ ବ୍ୟୁବୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ ଭଳି ଖତରନାକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଠାରେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଲର୍ଟ। चीन के लिए ये साल मुश्किलों भरा रहा है। पहले चीन के वुहान से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और उसके बाद से ही चीन में कोई ना कोई बीमारी या वायरस लगातार फैल ही रहा है, लेकिन ब्यूबोना प्लेग फैलने के बाद चीन की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। ଉତ୍ତର ଚୀନର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟୁବୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗୋଲିଆର ବୟାନୁରେ ପ୍ଲେଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦକୁ ନଜର ରଖି ଇନର ମଙ୍ଗୋଲିଆର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏହି ରୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏଭଳି ବିପଦ ଡାକି ଆଣେ ଯେ ଏହାକୁ କଳା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚୀନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟୁବୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗର ମାମଲାକୁ ଦେଖି 2020 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଛି ଚେତାବନୀ। ପ୍ଲେଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲେଗର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିପାରେ। ଏପଟେ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ମିଟର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 28,000 ଅଧିକ ମାମଲା। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 9,00,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। 7,00,000-8,00,000 ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ମାତ୍ର 4 ଦିନର ସମୟ। ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା 4,00,000 କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ 10 ଦିନରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ 2,36,000 ପଜିଟିଭ। ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାର 61%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାମାରୀର ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 32 ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପବନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟକୁ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କରୋନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଇଲାକାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ଜିମ୍ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଲଦାଖ ଏଲ୍ଏସିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଚୀନ ସୀମା ଯାଏ ନିଜର ସୈନିକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରେଳ ଓ ସଡ଼କର ମଜବୁତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭାରତ। ଏମିତିରେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଏଲ୍ଏସି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ। ବଡ଼ ଖବର ହେଲା, ଚୀନକୁ ସାମରିକ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଭାରତ ବିଛାଇବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ଲାଇନ। ପ୍ରଥମେ ଡୋକ୍ଲାମରେ ଝଟ୍କା, ଏବେ ଗଲୱାନରେ ଜବାବ। ଚୀନକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଏବେ ଭାରତର ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଲ୍ଏସି ଯାଏଁ ଯିବ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍, ଲଦାଖ ସୀମା ଯାଏଁ ଯିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ଲାଇନ। 20 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପହଞ୍ଚି ହେବ ଲଦାଖ। ଗଲୱାନରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କଠାରୁ ମହତୋଡ଼ ଜବାବ ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଫଳରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଚୀନକୁ ଆହୁରି ଚିଡ଼ାଇ ଦେବ ଏହି ଖବର। ଏଲ୍ଏସି ଯାଏଁ ସୈନିକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପଟେ ରେଳ ଓ ସଡ଼କର ମଜବୁତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି ଚୀନ। ଚୀନ ଯଦି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ନିଜ ସୀମା ଯାଏଁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛାଉଛି, ତ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ବି ଏଥିରେ ପଛରେ ରହିନାହିଁ। ଚୀନ ସୀମା ଯାଏଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଲେହ ଯାଏଁ ଯିବ ଏହି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍।
सामरिक दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहुवा यह रेल लाइन योजना को बिलासपुर मनाली लेह मध्यम सीमा जाए जोड़ हिमाचल प्रदेश बिलासपुर लेह मध्य निर्माणाधीन 465 किलोमीटर लंबा ब्रडगेज रेल धारणा बिछाइबार काम भी आरंभ हो यह रेल प्रोजेक्टर उच्चता समुद्र पतन रु 5360 मीटर जाए रे चीन में तिब्बत जाए रेल धारणार उच्चता सबुठू अधिक जहां समुद्र पतन ठार 2000 मीटर उच्चर रही 465 किलोमीटर लंबा यह प्रकल्प प्राय 83,360 कोटी टंका खर्च हो प्रकल्प 74 सुड़ंग सामिल अच्छी आपणको कही रखुचु यह 465 किलोमीटर रेल लाइन मध्य 51% अर्थात अधारु अधिक सुड़ंग मध्य गति कर सबुठू बड़ सुड़ंग हे 13.5 किलोमीटर लंबा पहाड़ सुड़ंग गुड़िकर मोट दैर्घ्य हे 238 किलोमीटर 110 पोल तैयारी कम जारी रही रुट्रे 31 रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन रे पोल स्टेशन और सुड़ंगे महत्वपूर्ण स्थान में 184 कंट्रोल पॉइंट रखा एही रेल लाइन निर्माण होगा पर चीन सीमार मुतयन भारतीय जवान पाखे अस्त्रशस्त्र और अन्य अत्यावश्यक सामग्री सहजरे पहुंचा जापर भारतीय रेल इतिहास रे एही रेल लाइन रो निर्माण सबुठू कष्टकर काम मध्य गोटे कही प्रकल्प संपूर्ण होगा दिल्ली रु लद्दाख पहुंचा को मात्र 20 घंटा समय लगे एही यात्रा करने को लगुच 40 घंटा अधिक लद्दाख में निर्माणाधीन यह रेल लाइन में भारत चीन सीमा पाखे 30 स्टेशन केंद्र सरकार यह प्रोजेक्ट को जातीय प्रकल्पर मान्यता देले अधिकांश बजेट तांकु ही खर्च करने को हेबो जहाँफल रेल धारणा निर्माण काम शीघ्र शेष होबार संभावना बढ़ी जीव ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया चीन हो कि पाकिस्तान भारत जिते भल संपर्क रखा चाहे से देखा था निज असल चेहरा हेले जेते बेले भी सेमाने सीमारे उत्तेजना सृष्टि करने को चेष्टा करती भारत दे मुह तोड़ जवाब यह संभव हो पारी साहसी भारतीय जवान आसंतु नजर पकाइबा साहसी लद्दाख स्काउट्र विजय गाथा उपरे जेकी 1962 युद्ध में चीन को लद्दाख रे देथिले एमिति जवाब जहाँ को से एजाए भूलिनी भारतीय सेना और लद्दाख स्काउट्स कहानी 1947 मसीह आरंभ हुए 1947 मसीह पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी कारगिल रास्ता दे लद्दाख बौद्ध मठ को लुंठन करने को योजना करते हेले लद्दाख सप्तम एवं 14वां जम्मू और काश्मीर मिलिशिया बटालियन तांको योजना को पंड करदे 1962 भारत और चीन मध्य होता युद्ध समय देखा मिलता लद्दाख स्काउट्स साहसिकता सेतेबेले रेजिमेंट नुब्रा गार्डस नारे मध्य जाना जाउथिला प्रकृतर 1962 रे होइतिबा भारत चीन युद्ध समय रे जेतेबेले अधिकांश स्थान रे भारतीय सेना पराजयर सम्मुखीन होउथिला सेतेबेले मध्य पूर्व लद्दाख रा दौलत बेग गोल्डी अर्थात डीबीओ रे चीन सेना आगो को बढ़िबारे सक्षम होइ नथिला डीबीओ रे कर्नल चेवांग रिंचिंग का नेतृत्व रे लद्दाख स्काउट्स रा जवान निज कर्तव्य तुलाउथिले युद्ध समाप्ति परे कर्नल चेवांग रिंचिंग को सम्मानित करा जायथिला कर्नल चेवांग रिंचिंग ही डीबीओ रे दुनिया रा सबुठ उच्च लैंडिंग स्ट्रिप तैयारी कराइथिले एहा बाद युद्ध समय रे कर्नल रिंचिंग और तांका जवान चीन सेना को देथिले आक्रमण रा मुहतोड़ जवाब और लद्दाख रे चीन सेना अनुप्रवेश नै जो उद्यम करथिला ताहा सफल होइ नथिला खास सेइथिपाई सेबेठू डीबीओ यहाँ आखपाख को लगिता अंचल पर चीन रो खराब नजर निकटरे मध्य ही अंचल को पेट्रोलिंग करने को नहीं भारत और चीन मध्य उत्तेजनापूर्ण स्थिति सृष्टि होता कर्नल चेवांग रिंचिंग नाँ से भारत पक्ष डीएससीबीओ अर्थात दुर्भुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क में श्योक नदी पर पोल निर्माण कर श्योक नदी पर पोल निर्माण पर चीन बढ़ी जा व्यस्तता आउ सीमा रे उत्तेजना सह हिंसात्मक संघर्ष होउछि
कारगिल युद्ध रे अदम्य साहस और पराक्रम देखाइबा परे 1 जून 2000 रे लद्दाख स्काउट्स को दियागला अलग रेजिमेंट रो परिचय। यहाँ पूर्वरु लद्दाख स्काउट्स जम्मू काश्मीर लाइट इन्फेंट्री रो अंश थिला। लद्दाख स्काउट्स रो जवानंकु पहाड़ उच्चतम इलाका रे शत्रु पक्ष रो बंकर उपरे हमला करिवार स्वतंत्र प्रशिक्षण दिया जाय थाए। एक कला प्रशिक्षण रे पास सेवा परे जाई एभड़ी युद्धर सामना करबाकु प्रस्तुत होई थांती एही जवान। एही कारण रो एमानंकु स्नो वारियर मध्य कहा जाय थाए। लद्दाख स्काउट्स होउची भारतीय सेनार एमिती बटालियन जेकी भारत चीन सीमारे सबुठु कष्टदायक परिवेश रे शत्रु उपरे नजर रखिथांती। खास सेइथिपाई एही बटालियन को भारत चीन सीमारे ही नियोजित करा जायथाए। ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल होता है वहां पर लद्दाख स्काउट्स के ये जवान बाधाएं पार करते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लद्दाख स्काउट्स के जवान किस तरह से अपने सैनिक हथियारों के साथ साजो सामान के साथ तार के नीचे से बहुत मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर से रात में जो लड़ाई होती है और माउंटेन पर धुधला दिखता है क्योंकि बादल कई बार आ जाते हैं और उसके बीच देखिए उसी तरह की यहां पर परिस्थिति पैदा की गई है। बादलों के बीच पहाड़ों में रेंगते हुए दुश्मन की तरफ किस तरह से लद्दाख स्काउट के ये जवान बढ़ रहे हैं और दुश्मन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो लद्दाख स्काउट्स के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और दुश्मन पर बिना पलक झपके ही हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लद्दाख स्काउट्स भारतीय सेना रा एमिती बटालियन जहाँ की युद्ध समय रे निज वीरत्व पाई अनेक सम्मान हासिल कर सारी। एमाने सब बेले जे कोनोसी परिस्थिति रे शत्रु को जवाब देबारे सक्षम। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एबे आसंतु भेटिबा एक एमिती ऑटो रिक्शा चालकंकु जे कोरोना महामारी को दृष्टि रखी निज ऑटो को खास डिजाइन करिछंती। ए ऑटो रिक्शा रे से सब प्रकार सुविधा रखिछंती जहा फळरे यात्री निज को स्वच्छ और सुरक्षित रखि पारिबे। महिंद्रा ग्रुप रो एमडी अनंत महिंद्रा भी एही ऑटो रो दीवाना हो जाय छंती। मायानगरी मुंबई रो रास्ता रे चालुथिबा गोटी ऑटो रो वीडियो आजिकाली खूब वायरल हेउची। ए ऑटो रिक्शा साधारण ऑटो थारु पूरा अलगा। एमिती कहिले एहा संपूर्ण रूपे हाईटेक। वाईफाई भली सुविधा थिबा ऑटो रिक्शा तो आपण पूर्वरु देखिथिबे किंतु ए ऑटो पूरा अलगा। या पछरे गोटिए बोर्ड रे लेखा जायछि जे हा मुंबई रो प्रथम होम सिस्टम ऑटो रिक्शा जहां उन्नत सेवा दिए आउ एही उन्नत सुविधा पई रिक्शा रे वाईफाई सह कंप्यूटर सिस्टम लागिछि। यात्रीक हाथ धोइबा पई वॉश बेसिन लगा जायछि। ओदा ओ सुखिला अवर्जना पई भिन्न भिन्न डस्टबिन रखा जायछि। यात्रीक पई रखा जायछि हैंड सैनिटाइजर। ऑटो रिक्शा रे फूलकुंड सजा जायछि। एते क्वालिटी थिबा ऑटो रिक्शा टेक महिंद्रा रा मालिक आनंद महिंद्रा को एते पसंद आसिला जे से निज ट्विटर रे एहार वीडियो शेयर कले आउ कैप्शन रे लेखिले कोविड 19 स्वच्छ भारत को आगो को बढ़ाउछि। ए हाईटेक ऑटो को कोरोना महामारी को नजर रखी ही प्रस्तुत करा जायछि जा फल रे एथिरे बसुथिबा यात्री किछि खाइबा परे रास्ता रे कोनोसी प्रकार आवर्जना फिंगिबे नाही। निजे भी स्वच्छ रहंतु एवं शहर को भी स्वच्छ रखंतु। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।